नमस्कार, कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई यह बताएंगे। हम आपको बताएं, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई, क्यों हुई और कब हुई? पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि भगवान शंकर संसार के सभी योग बदल सकते हैं, तो वह सोचने लगे कि क्यों न भगवान शंकर को ही प्रसन्न किया जाए। यह विधान भगवान शंकर को प्रसन्न करके ही बदला जा सकता है। और यही सोचकर मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड की तपस्या करने का कारण जानते थे, इसलिए भगवान शंकर ने उन्हें शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे आखिर भगवान शंकर को झुकना ही पड़ा। भोलेनाथ हैं ही ऐसे, उन पर अपने भक्तों के कष्टों को देखा नहीं जाता। वह प्रसन्न होकर मृकंड ऋषि से बोले, मैं तुम्हारे दुख को नहीं देख सकता, इसलिए विधि का विधान मैं तुम्हारे लिए बदल कर एक पुत्र होने का वरदान दे रहा हूँ। जो पुत्र आपके होगा वह आपको हर्ष और विषाद दोनों देने वाला होगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से ऋषि के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। जब मार्कंडेय बड़ा हुआ तो उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाकर उसके ग्रह नक्षत्रों के बारे में पूछा। तब ज्योतिषियों ने मृकंड ऋषि को बताया कि यह आपका पुत्र विलक्षण लक्षण वाला है, मगर इसकी आय अल्पाय का होगा। आपके इस पुत्र की आय सिर्फ 12 वर्ष है। यह सुनते ही ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी से विश्वास दिलाते हुए कहा कि भोलेनाथ की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हुई है, वही भोलेनाथ इसकी रक्षा भी करेंगे। उसके भाग्य को भगवान भोलेनाथ अवश्य बदल देंगे। भगवान के लिए यह कोई बड़ा कार्य नहीं है। जब मार्कंडेय बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी और बालक को समझाया कि ये शिव भगवान आपके आराध्य देव हैं और यही आपके जीवन दाता हैं। जैसे जैसे मार्कंडेय की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे माता पिता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मार्कंडेय ने अपनी माता से पूछा, माता, किस कारण आप इतनी चिंतित रहती हो? क्या मैं कोई ऐसा कार्य करता हूँ जो आपको अच्छा नहीं लगता? माँ ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मार्कंडेय के पूछने पर माँ को बताना ही पड़ा। उन्होंने बताया कि बेटा, आपकी अल्पायु है। उसी समय मार्कंडेय ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने माता पिता के सुख के लिए सदा से भगवान भोलेनाथ से अपनी लंबी उम्र के लिए वरदान मांगूंगा। जिससे मुझे जीवन दिया है वही मेरी उम्र की भी रक्षा करेंगे। जब मार्कंडेय 12 वर्ष के होने वाले थे तब उन्होंने एक मंत्र की रचना की। मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर डाली और शिव मंदिर में बैठकर उसका अखंड जाप करने लगे। जैसे जैसे वह 12 वर्ष के पूरे हुए, यमदूत उन्हें लेने के लिए आ गए। जब यमदूतों ने देखा बच्चा महाकाल की आराधना कर रहा है, तो यमदूत वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था, इसी कारण यमदूतों का उन्हें छूने का साहस नहीं हुआ और वह वापस लौट गए। जब यमपुरी पहुंचकर यमदूतों ने यमराज को बताया कि हम लाख प्रयास करने पर भी बालक को छू नहीं पाए, तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि मैं मृकंड के पुत्र को जाकर स्वयं लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर यमराज मार्कंडेय
के पास पहुंच गई। जब बालक ने यमराज को देखा तो वह जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए एक शिवलिंग से लिपट गया। जब यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, उसी समय प्रचंड तेज से यमराज की आंखें चकाचौंधिया गईं। उसी समय उस शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए, जिनके हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन मेरे भक्त को खींचने का साहस तुम में कहां से आया? यमराज ने जब महाकाल का यह रूप देखा तो वह कांपने लगे और बोले, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ और आपके ही जीवों के प्राण हरने का कार्य मैं आपकी आज्ञा से करता हूँ। जब भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ तो वह बोले, मैं अपने भक्तों की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घ आय देने का वरदान दिया है, अब तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। प्रभु के ऐसे वचनों को सुनकर यमराज बोले, हे भोलेनाथ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। अब मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का जो भी भक्त जाप करेगा उसे मैं कभी भी कोई कष्ट नहीं दूंगा। इस प्रकार महाकाल महादेव की कृपा से मार्कंडेय की दीर्घ आयु हो गई और उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। और आज भी भगवान भोलेनाथ का यह महामृत्युंजय मंत्र उतना ही कारगर है जितना द्वापर और सतयुग में था। मृत लोक में जो भी व्यक्ति यह महामृत्युंजय मंत्र का 1,00,000 बार जप करता है या किसी विद्वान पंडित से करवाता है, उसके घर में कभी भी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। ये भगवान भोलेनाथ का दिया गया वचन है और यह भी कभी असत्य नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। बोलिए सभी दर्शक भक्ति और विश्वास के साथ, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक विवंदनात् मृत्योमुक्षीय अमामृतात्। दर्शकों, ये था महामृत्युंजय मंत्र। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।